ओम ध्याये सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसिजासन सन्नविष्टि केयूर वांगनगर कुंडल मांकिरीटी हारय हिरण्य विपुर्द धृत शंख चक्र ऐ सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपतय अनुकंपय मां भक्त गणार्गम दिवाकर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य वाणी पर। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कि मीन राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन, कन्या राशि में जो सूर्य आ रहे हैं उसका प्रभाव क्या रहेगा। देखिए, 16 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य जो है कन्या राशि में चलेंगे और कन्या राशि यदि मीन राशि के अनुसार से बात करें तो सप्तम भाव में पड़ती है और सप्तम भाव के सूर्य क्रूर ग्रह माने जाते हैं। सूर्य प्रत्यक्ष देवता तो हैं लेकिन साथ साथ क्रूर देवताओं के अंतर्गत आते हैं और एक तरह से विशेष तौर पर उनका प्रभाव बड़ा विचित्र होता है। और कन्या राशि में जब सूर्य वहाँ चल रहे हैं और साथ साथ कन्या में बुध भी साथ में रहेंगे और इस प्रकार का योग जो बनेगा छठे सप्तम भाव में, थोड़ा सा एग्रेशन आपके अंदर बढ़ता दिखाई देगा। अननेसेसरी के विशेष तौर पर गुस्सा, जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों में एंजाइटी, थोड़ी छोटी बातों पर मनोमस्तिष्क में एकदम एग्रेसिवनेस आ जाना, ये सूर्य आपके लिए थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो मीन राशि वालों को खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इस दौरान मीन राशि वालों के लिए एक और विशेष बात भी है कि दो ग्रहण पड़ने का योग भी है, एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण, एक आपकी राशि में पड़ेगा और एक आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख पड़ेगा इसी शनि के विशेष तौर पर सूर्य के परिवर्तन के दौरान। तो आपको विशेष तौर पर ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों सूर्य, केतु, बुध, चंद्रमा कुछ दिन के लिए एक युति बनाकर 1 से 4 अक्टूबर के बीच में भी रहेंगे और ये अशुभ योग माना जाता है विशेष तौर पर। ऐसे में संसार में कुछ अशुभ होने के योग भी बन सकते हैं क्योंकि चतुर्ग्रही योग जो बनेगा उस पर मंगल की दृष्टि रहेगी। तो ऐसे में मीन राशि वालों को खासतौर पर इन ग्रहों के प्रभाव को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में थोड़ा दूध का दान, दूध का भगवान के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करना यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि बिना किसी कारण से अननेसेसरी घर परिवार में मनमुटाव होने के योग ना बने। यदि आप बच्चे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, माता पिता की बात इज्जत करने का प्रयास करें और ख़ासतौर पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी बातों पर एकदम गुस्सा ना हो, इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये सूर्य का परिवर्तन थोड़ा सा आपके जीवन में थोड़ा सा जल्दबाजी में और थोड़ा सा गुस्सा अननेसेसरी के एंग्जाइटी को बढ़ाने वाला दिखाई देता है। तो नित्य प्रति सूर्य का उपाय करें, सबसे श्रेष्ठ उपाय आपकी राशि के अनुसार से हमें दिखाई देता है नित्य प्रति। आजकल देखिए तांबे के लोटे में, बरसात का मौसम है, कनेर के पुष्प आ रहे होंगे, एक कनेर का पुष्प सुबह सुबह तोड़कर उस लोटे में डाल दीजिए, भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए थोड़ी सी रोली लेकर और हो सके तो विशेष तौर पर ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः या गायत्री का मंत्र आपको याद हो उसके द्वारा ओम भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, इन सब कुछ भी मंत्र याद हो तो उसके द्वारा भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए नित्य प्रति उनको सुबह सुबह यदि आप अर्घ दे सके तो बहुत अच्छा रहेगा। गौ पूजन करना भी आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ रहेगा। काली गायें यदि कहीं गौशाला में मिल जाएं तो विशेष तौर पर उनको एक रोटी यदि आप नित्य प्रति दे दें, थोड़े से गेहूं भिगोकर गाय को डाल दें, ये भी अच्छा रहेगा आपके ग्रह प्रभाव को, नेगेटिव प्रभाव को शुभ करने के लिए, अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए ये दृष्टिकोण अच्छा दिखाई देता है। इन दिनों बृहस्पति थोड़े से वैसे ही आपके लिए बड़े विचित्र प्रभाव उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। यदि शांत होकर और सूर्य ने उसमें आकर और ज़्यादा आग में घी डालने का प्रयास किया है ऐसा परिवर्तन कर, तो ऐसे में थोड़ा शांत रहने का प्रयास करें। श्राद्ध भी चल रहे हैं तो अपने पितरों के पितरों के निमित्त अवश्य श्राद्ध भी करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा और साथ साथ नवरात्र का सुंदर अवसर भी है। तो ऐसे में नवरात्र का विशेष में भगवती दुर्गा की आराधना करें। आपके बाकी ग्रहों के योगा योग से दिखाई देता है कि ऐसे में भगवती दुर्गा की आराधना करना, यज्ञ करना आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ उपाय हमें दिखाई देता है। तो इसको आपको करने का प्रयास करना चाहिए, ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा और उस लाभ ले सकते हैं। इस दौरान भगवती का आगमन अगर हम समझें, देखिए हमने एक योग बताया आपको कि जो सूर्य, चंद्र, केतु और बुध इत्यादि का एक साथ योग बन रहा है और सूर्य, केतु, बुध तो एक साथ पूरी राशि के दौरान चलने ही वाले हैं और मंगल की दृष्टि भी है और नवरात्र का जो योग बन रहा है इस बार भगवती का विशेष तौर पर जो योग बनता दिखाई दे रहा है वो विशेष तौर पर ऐसा बनता दिखाई दे रहा है कि भगवती का आगमन अश्व पर आरूढ़ होकर खड़ग हाथ में धारण करते हुए ये विश्व में कहीं ना कहीं अशांति का योग उत्पन्न करता है, आपदाओं का योग उत्पन्न करता है, साथ साथ प्राकृतिक आपदा
आपदाओं के साथ साथ कहीं ना कहीं अग्निकांडों का, कहीं ना कहीं विस्फोट का योग भी बनता दिखाई दे रहा है, उपद्रवकारी योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको अपने जीवन में थोड़ा आंतरिक तौर पर भी शांति रखने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहगण दृष्टिकोण से ये जो ग्रह योग हैं ये हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया, इनके द्वारा समझें, उपाय करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा, कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हर व्यक्ति के हर जीवन में अवश्य होता है, कण कण पर ग्रहों का प्रभाव होता है। सूर्य तो प्रत्यक्ष देवता है और सूर्य तो नित्यपति हमारे यहाँ प्रत्यक्ष देवता इसलिए कहा गया है कि बाकी समस्त देवताओं के लिए तो आराधना करती पढ़नी पड़ती है, वर्षों तक उनकी साधना करनी पड़ती है, मंत्र जप करना पड़ता है, लेकिन सूर्य चंद्र ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं, नित्यपति, अपने समय पर अपना दर्शन इस संसार को देते हैं और अपने कार्य में संलिप्त रहते हैं। और इस सूर्य की वजह से ही संसार में समस्त कार्य चलते हैं, चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे वो मानव हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो बादल हो, सब प्रकार से वर्षा इत्यादि समस्त प्रकार से सूर्य ही उनके मुख्य केंद्र बिंदु माने जाते हैं। इसलिए सूर्य का प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। प्रत्यक्ष प्रभाव तो समस्त संसार को पता ही है, अप्रत्यक्ष प्रभाव ज्योतिष ने उसका अनुसंधान शोध कर समझने का प्रयास किया और वही हमने आपके समक्ष उपस्थित किया। और सूर्य को ठीक करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है, उन सब उपायों को आप करें तो बहुत सुंदर तरीके से आप अपने कष्टों को जीवन से दूर करने के योग बना सकते हैं। शास्त्र में अनेक प्रमाण उपस्थित है जिनके द्वारा सूर्य के विभिन्न उपायों को हमें अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य के देवता जो विशेष तौर पर कहे जाते हैं, सब सूर्य की जो आराधना की जाती है गायत्री के अंतर्गत की जाती है और सवितुर देवता उनके हैं, गायत्री छंद है विशेष तौर पर, और समस्त अरिष्टों को दूर करने के लिए भगवान सूर्य को नित्यपति अर्घ देना सबसे श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति में बताया गया है। सूर्य को अर्घ देने का भी एक पूर्ण वैज्ञानिक तरीका है किस प्रकार से सूर्य को अर्घ देते हैं, ये नहीं कि केवल लोटा लेके जल डाल दिया। कहा जाता है कि सूर्य को अर्घ देने के लिए एक जर्मन साइंटिस्ट ने रिसर्च की और जर्मन साइंटिस्ट ने उसको प्रत्यक्ष रूप से आज मॉडर्न तरीके से समझाने का प्रयास किया कि होता क्या है कि सूर्य को जल देने से। हमारे प्राचीन पद्धति है सूर्य को जल देने की, जल में खड़े होकर और आधा अंग जो है शरीर का मध्य भाग तक जल के अंदर रहना चाहिए और फिर सूर्य को जल देते वक्त सूर्य का दर्शन करते हुए लोटे को अपने सिर से ऊपर ले जाने के बाद उस पानी को वहाँ सूर्य को उपस्थित किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन साइंटिस्ट ने, जो जर्मन के साइंटिस्ट, उन्होंने ये उपस्थित किया कि जब शरीर पे जो जो किरणें उस जल से निकल कर आती हैं वो जीवनी तरंगों का, जीवनी शक्ति का आपके शरीर में जो उस पानी से छन कर आपके शरीर में आ रही हैं तो वो विशेष तौर पर बहुत ही प्रभावी होती हैं और जीवनी शक्ति को प्रदान करती हैं। हमारे यहाँ मेह स्नान का भी बड़ा वर्णन आता है, उसमें भी जब सूर्य निकला हुआ हो और तब बारिश पड़ रही हो और यदि वो बारिश सूर्य के जो किरणें हैं उनसे चार्ज जाती है और वो पानी जब शरीर में पड़ता है तो वो भी जीवनी शक्ति का और बहुत सारे शरीर में आदि व्याधियों को दूर करने के लिए बड़ा उपयुक्त माना जाता है। इसलिए इस जो बारिश में जब सूर्य निकल रहा हो और उस समय जब मेह पड़ रहा हो, बारिश पड़ रही हो, तो वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त स्थान से माना जाता है उस बारिश में भीगना। सब प्रकार से बारिश का पानी शरीर में पड़ना सब प्रकार से शुभ और विशेष तौर पर बीमारियों को दूर करने वाला, जीवनी शक्ति को संचार करने वाला माना जाता है। तो इसी प्रकार से जब वैज्ञानिक जो बाहर से जर्मन ने साइंटिस्ट आए और उन्होंने हेल्थ मैगजीन में उनका एक आर्टिकल भी विशेष तौर पर छपा जो लंदन से छपती है। तो सोचें भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को जो समझाया गया वो कहीं ना कहीं आदि भौतिक आदि दैविक के साथ साथ वैज्ञानिक प्रमाणों पर भी सत्य रूप से प्रतिष्ठित बैठती है, तो हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो सूर्य का प्रभाव आपने समझा किस प्रकार से सूर्य परिवर्तन होते हैं और सूर्य का परिवर्तन का प्रभाव जो आप पर पड़ रहा है उसमें आप अनेक प्रकार से उनको ठीक करने के लिए मंत्र जप कर अनेक प्रकार से समस्याओं को ठीक करने के लिए उसका रास्ता अपना सकते हैं। तो आप सबको उनका मंत्र जप और साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गायत्री का पाठ करना चाहिए। सूर्य के निमित्त गेहूं का दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वो आप अवश्य रूप से करने का प्रयास कीजिए। देखिए सूर्य का यह परिवर्तन आपके लिए बहुत विशेष बनता दिखाई दे रहा है और इन उपचारों को कर आप उन समस्याओं को ठीक करने का रास्ता भी बना सकते हैं जो जीवन में सूर्य के द्वारा और विभिन्न ग्रहों के द्वारा उपस्थित होती हैं।